बोगोटा एक गंदा और शोर भरा शहर है। वायु प्रदूषण से यहाँ हर साल करीब 2000 लोग मारे जाते हैं। कोलंबिया की राजधानी में हवा की क्वालिटी अक्सर इतनी बुरी हो जाती है कि पर्यावरणीय आपातकाल लगाना पड़ता है। सड़क से माल ढुलाई में होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन ने समस्या को और बढ़ाया है, लेकिन ये स्थिति बदलेगी। डैनियल सांचेज जैसे लोगों को इसका श्रेय जाता है। पहले वो भी समस्या का हिस्सा थे और अब समाधान का हिस्सा। मैं ट्रक चलाता था, हमेशा हम दो लोग होते थे। ट्रैफिक जाम से निकलने और पार्किंग की तलाश करते करते हर चीज में लंबा समय लग जाता था। बहुत थकाऊ काम था। अब वो इलेक्ट्रिक डिलीवरी ट्राईसाइकिल चलाते हैं। सिटी सेंटर के किनारे ये क्रॉस डॉकिंग स्टेशन है। बड़े ट्रकों से यहाँ माल लाया जाता है और शहर भर में डिलीवरी के लिए छोटे इको फ्रेंडली वाहनों में भरा जाता है। ये प्रोजेक्ट नगरपालिका ने शुरू किया था। पिछले साल से नगरपालिका पहली बार ग्रीन अलायंस के हाथों में है। यहाँ करीब 79% सूक्ष्म कण उत्सर्जन के लिए परिवहन जिम्मेदार है और इसमें 39% उत्सर्जन सड़क से माल ढुलाई से होता है। इन नए वाहनों के इस्तेमाल से हम रोजाना 16 मीट्रिक टन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसका बड़ा असर होगा। विश्व बैंक ने इस प्रोजेक्ट के लिए $3,00,000 दिए हैं। अभी ये शुरुआती दिन है। मौजूदा पायलट चरण के दौरान छोटे इलेक्ट्रिक डिलीवरी वाहन के बेड़े में सिर्फ 15 गाड़ियां हैं। मेडेलिन शहर की एक स्टार्टअप कंपनी उन्हें चलाती है, लेकिन मेडेलिन के लिए विकसित इस मॉडल को बोगोटा की परिस्थितियों में ढलने की जरूरत है। मेडेलिन की व्यवस्था से ये काफी अलग है। बोगोटा में खुदरा व्यापारी सिर्फ एक जिले में सीमित नहीं हैं। दूरियां अपेक्षाकृत लंबी हैं, लिहाजा इलेक्ट्रिक साजो सामान पर भार भी ज्यादा पड़ता है। हमें मोटर और बैटरी में सुधार के लिए काम करना होगा ताकि हम कंपनियों को और प्रोजेक्ट को एक कारगर समाधान मुहैया करा सकें। दलोला कार्गो ट्राईसाइकिल पर 1 घन मीटर माल लादा जा सकता है। एक सामान्य ढुलाई ट्रक पर आने वाले सामान का ये 8वां हिस्सा है। आज डैनियल सांचेज छोटी दुकानों और फार्मा कंपनियों में माल पहुंचाने जा रहे हैं। वो कमीशन पर काम करते हैं, इसीलिए उनके लिए समय की काफी कीमत है। एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक तक दौड़ते रहते हैं, ट्रैफिक जैम से अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को मजे से निकाल ले जाते हैं। ट्रक से निजात मिली तो वो बहुत खुश हैं। ट्रैफिक में ये सबसे बढ़िया चीज है। मैं साइकिल वाली लेन्स और पगडंडियों पर भी जा सकता हूँ, शॉर्टकट ले सकता हूँ, किसी भी जगह तेजी से पहुंच सकता हूँ, पहले से बेहतर। ट्रैफिक में फंसने का चक्कर नहीं, पार्किंग की टेंशन नहीं, माल पहुंचाना बहुत आसान हो गया है। कई कंपनियों ने प्रोजेक्ट के लिए हामी भर दी है। इससे न सिर्फ उनका नुकसानदायक उत्सर्जन कम होगा बल्कि वक्त और पैसा भी बचेगा। न्यूट्रेसा तैयार भोजन बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है। प्रोजेक्ट के पायलट चरण के लिए ये एक आदर्श कंपनी है। कोलंबिया में उसका अधिकांश सामान नुक्कड़ की दुकानों और ठेलों पर बिकता है। पायलट फेज को शुरू हुए महीना ही हुआ है, लेकिन नतीजे काफी महत्वपूर्ण और सकारात्मक हैं। शहर में 6 और कंपनियां प्रोजेक्ट से जुड़ गई हैं। उम्मीद है और भी जुड़ेंगी। परिवहन के टिकाऊ तरीकों के इस्तेमाल के कई फायदे हैं, लोगों की जिंदगी की गुणवत्ता के लिए, पर्यावरण के लिए और शहरी व्यवस्थाओं के विकास के लिए भी। पायलट प्रोजेक्ट का समग्र मूल्यांकन अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन डैनियल सांचेज को उम्मीद है कि प्रोजेक्ट कामयाब होकर मिसाल बनेगा।
उनके काम के दिन घट गए हैं और कमाई बढ़ गई है। और जब आसपास चलते लोग डैनियल को देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। जब काम पर होता हूं तो लोग पूछते हैं, क्या ये बाइक आपकी है? मैं कहता हूं काश होती, लेकिन है नहीं। लोग इसे पसंद करते हैं, न धूल न धुआं, पर्यावरण की बचत। मुझे लगता है कि मैं बदलाव में मदद कर रहा हूं। वो अब भी घर जाने के लिए बस लेते हैं, एक अच्छी साइकिल खरीदने के लिए पैसे बचा रहे हैं। तब बोगोटा को हरा भरा बनाने में उनका योगदान और बढ़ जाएगा।